इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग बस हमेशा डांस ही करते रहते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि राजा और रानी के घर में एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम ये लोग स्नो वाइट रखते हैं क्योंकि इनकी बेटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। लेकिन बेटी के पैदा होने के बाद जो रानी होती है उसकी डेथ हो जाती है और जो किंग है वो अकेला ही अपनी बेटी को बड़ा करता है। बेटी के थोड़ा बड़ा होने के बाद किंग को रियलाइज होता है कि वो अपनी बेटी को अकेला नहीं पाल सकता है और उसको उसकी माँ की नीड है जो कि उसकी बेटी की अच्छे से देखभाल कर सके। इसीलिए वो अपने लिए नई क्वीन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और किंग को एक बहुत ही खूबसूरत लेडी मिलती है जिसको देखते ही किंग दीवाना हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद किंग को खबर मिलती है कि जंगल में कोई बीस्ट है और वो अपने राज्य के लोगों को बचाने के लिए उस बीस्ट को मारने का फैसला लेता है। लेकिन वो जाने से पहले स्नो व्हाइट से मिलता है और उसको अपना फेवरेट चाकू भी देता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। लेकिन बहुत दिन बीत जाने के बाद भी जब किंग वापस नहीं आता तो सभी लोग मान लेते हैं कि किंग की डेथ हो गई है और इसके बाद जो स्नो व्हाइट होती है वो पूरी तरह से अपनी स्टेप मदर के अंडर में आ जाती है और इसके बाद जो उसकी स्टेप मदर होती है वो अपने असली रंग दिखाना स्टार्ट करती है। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो क्वीन है वो बस पार्टीज और अपने ड्रेसेस में ही लगी रहती है और वो राज्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती जिससे कि राज्य में अफवाह उड़ जाती है कि राज्य पूरी तरह से कंगाल होने वाला है। अब यहाँ के जो सलाहकार होते हैं वो क्वीन को सलाह दे रहे होते हैं कि उनको जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए जिससे कि किंगडम को एक नया राजा मिल जाए। लेकिन इस प्रॉब्लम को ठीक करने की बजाय जो क्वीन है वो ऑर्डर देती है कि जो भी ऐसी अफवाह फैला रहा है उसको मौत की सजा दी जाए। और दूसरी साइड हमें स्नो व्हाइट को दिखाया जाता है जिसको कि क्वीन ने महल से निकलने के लिए मना कर रखा था और जब भी क्वीन पार्टी करती थी तो वहां पर स्नो व्हाइट का आना सख्त मना था। लेकिन जो स्नो व्हाइट होती है वो अपने 18th बर्थडे पर चुपके से अपने रूम से बाहर निकलकर पार्टी को अटेंड करने की कोशिश करती है लेकिन क्वीन ने उसको देख लिया था और वो उसको सजा देती है और उसके रूम में वापस से उसको बंद करवा देती है। और इसके बाद हमें जंगल में दिखाया जाता है, यहाँ पर हमें एक दूसरे राज्य के प्रिंस एंड्रियो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एडवेंचर की तलाश में आए होते हैं और उनका एक फ्रेंड भी उनके साथ होता है जिसका नाम चार्ल्स होता है और वो बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसने भी बीस्ट की कहानियां सुनी होती है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ अजीब से दिखने वाले लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि वो एंड्रियो का सामान चुराना चाहते थे। अब एंड्रियो उनसे मुकाबला करता है लेकिन वो उनके सामने टिक नहीं पाता और वो हार जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जो अजीब से दिखने वाले क्रिएचर थे असल में वो 7 बौने होते हैं जिन्होंने की अजीब से जूते पहन रखे होते हैं। अब वो सोना लेकर यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी जो एंड्रियो होता है वो उनका मजाक बनाने लग जाता है। अब बौनों को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो उनको सजा देने के लिए उनको बिना कपड़ों के पेड़ से उल्टा लटका कर यहाँ से चले जाते हैं। और हमें कैसल में एक मार्गरेट नाम की सर्वेंट को दिखाया जाता है और यहाँ पर बाकी सारे सर्वेंट्स मिलकर स्नो व्हाइट को उसका बर्थडे विश करते हैं। यहाँ पर जो मार्गरेट होती है उसको यकीन होता है कि एक दिन जो स्नो व्हाइट है वो उस इविल क्वीन को हटाकर अपने राज्य पर राज करेगी। अब वो यहाँ पर स्नो व्हाइट को उसके डैड का चाकू देते हुए कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और इसके बाद हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में होती है और वो एक मैजिकल मिरर की हेल्प से एक मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाती है। और यहाँ पर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि मैजिकल मिरर के रिफ्लेक्शन में क्वीन की ही एक डुप्लीकेट होती है जो कि उससे कह रही होती है कि वो चाहे कितना भी छुपा ले लेकिन अब वो बूढ़ी हो रही है और उसको जल्दी ही अपना छठा हस्बैंड ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि उसकी सारी दौलत खत्म हो रही है। अब क्वीन को जल्दी ही शादी करने की नीड है। और दूसरी साइड हमें स्नो व्हाइट को दिखाया जाता है जो कि महल से भागने का फैसला लेती है और वो बहुत ही आसानी से महल से भाग भी जाती है क्योंकि सभी गार्ड उसकी हेल्प करते हैं और वो जंगल में पहुंच जाती है। यहाँ पर वो एंड्रियो और चार्ल्स को लटका हुआ देखती है तो वो उनकी हेल्प करती है और रस्सी को काट देती है। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो स्नो व्हाइट और एंड्रियो है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। जो एंड्रियो होता है वो किंगडम में आ जाता है और वो क्वीन से माफी मांगता है। अब जो क्वीन होती है उसको एंड्रियो काफी ज्यादा अच्छा लगता है इसीलिए वो उससे शादी करना चाहती है और उसको पता चलता है कि एंड्रियो एक प्रिंस है इसीलिए वो सोचती है कि वो एक पार्टी देगी
और पार्टी में ही एंड्रियो को शादी के लिए प्रपोज करेगी। लेकिन ब्रेटन उससे कहता है कि हमारे पास पार्टी करने के लिए पैसे नहीं है। तब क्वीन उससे कहती है कि लोगों से जाकर टैक्सेस कलेक्ट कर कर लेकर आओ। तो ब्रेटन उसको बताता है कि लोग पहले से ही बहुत ज्यादा गरीब है, लेकिन क्वीन किसी की बात नहीं सुनती है। अब हमें दिखाया जाता है जो स्नो वाइट होती है वो राज्य में पहुंच जाती है और यहाँ पर वो लोगों की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुके थे। अब स्नो वाइट समझ जाती है कि ये सब कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस देने की वजह से हो रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर ब्रेटन भी आ जाता है और वो नए टैक्सेस को अनाउंस करता है। वो यहाँ पर बताता है कि क्वीन को राज्य की रक्षा करने के लिए पैसों की जरूरत है, क्योंकि जंगल में बीस्ट घूम रहा है। और दूसरी साइड जो एंड्रयू होता है वो चार्ल्स को वापस अपने राज्य में भेज रहा होता है, जिससे कि वो उसके लिए सामान लेकर आ सके। लेकिन चार्ल्स उसको अकेले छोड़कर जाने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि उसको क्वीन क्लेमेंडियाना थोड़ी क्रेजी लगी थी। लेकिन एंड्रयू उससे कहता है कि वो ठीक रहेगा। और दूसरी साइड हमें स्नो व्हाइट को दिखाया जाता है जो कि मार्गरेट के पास आकर उसको लोगों की कंडीशन बताती है, और वो अपने पापा की मेहनत को बर्बाद होते हुए देखकर रोने लग जाती है। तब मार्गरेट उसको बताती है कि यहाँ पर प्रिंस के लिए पार्टी हो रही है, और वो उससे कहती है कि तुम पार्टी में जाकर प्रिंस का दिल जीत लेना, जिससे कि तुम प्रिंस की हेल्प से अपने राज्य को वापस ले सको। और पार्टी के स्टार्ट होने से पहले जो क्वीन होती है वो अपना बहुत ही अजीब सा स्पा ट्रीटमेंट कराती है, जिसमें वो फिशेस और बर्ड्स की पूप का यूज करती है। अब रात में पार्टी स्टार्ट होने के बाद जो क्वीन होती है वो एंड्रयू को अपना डांस पार्टनर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन एक दूसरा आदमी एंड्रयू से पहले चले जाता है, क्योंकि वो भी क्वीन से शादी करना चाहता था। और इसके बाद जो एंड्रयू होता है वो स्नो व्हाइट का पार्टनर बन जाता है। अब ये दोनों साथ में डांस कर रहे होते हैं और यहाँ पर स्नो व्हाइट एंड्रयू से हेल्प के लिए कहने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर क्वीन आ जाती है, और जो स्नो व्हाइट होती है वो यहाँ से डरकर भाग जाती है। लेकिन जो गार्ड होते हैं वो स्नो व्हाइट को पकड़कर क्वीन के पास ले आते हैं, और वो गुस्से में यहाँ पर ये भी कह देती है कि वो आज राज्य में गई थी, वहाँ पर उसने देखा कि लोग कितने गरीब हैं और उसने उसके राज्य की क्या हालत बना देती है। अब क्वीन को जब ये पता चलता है कि स्नो व्हाइट ने आज बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो ब्रिटेन से कहती है कि वो स्नो व्हाइट को ले जाकर बीस्ट को खिला दे। स्नो व्हाइट यहाँ से जाने से पहले नोटिस करती है कि क्वीन के गले में जो मून का नेकलेस है वो आज बहुत ज्यादा चमक रहा है। अब जो ब्रेटन होता है वो स्नो व्हाइट को लेकर जंगल में आ जाता है। यहाँ पर वो उसकी रस्सी काट के उसको यहाँ से दूर भाग जाने के लिए बोलता है और कभी ना वापस आने के लिए बोलता है। और इसके बाद जो ब्रेटन होता है वो वापस से महल में आकर क्वीन को बताता है कि उसने स्नो व्हाइट को मार डाला है, और यहाँ पर वो क्वीन को विश्वास दिलाने के लिए उसको जानवरों के ऑर्गन्स दिखाता है। और दूसरी साइड हमें स्नो व्हाइट को दिखाया जाता है जो कि जंगल में इधर उधर भाग रही होती है और वो एक ट्री से टकरा कर नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पर जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि वो घर के अंदर है, और ये उन सात मोनों का ही घर होता है जो कि स्नो व्हाइट को इसलिए घर में लेकर आए होते हैं क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि वो स्नो व्हाइट के बदले क्वीन से बहुत सारा सोना मांगेंगे। लेकिन जो स्नो व्हाइट होती है अब वो मोनों को सारी कहानी सुनाती है और उनको बताती है कि क्वीन ने ही उसको मारने के ऑर्डर दिए थे। अब स्नो व्हाइट उनसे हेल्प मांगती है। पहले तो वो उन्हें मना कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में उसका बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो उसको एक रात यहाँ पर रुकने के लिए बोल देते हैं। और जो ब्रेटन होता है वो सारे सर्वेंट्स को बता देता है कि स्नो व्हाइट मारी गई है, और इसके बाद वो शहर में टैक्स कलेक्ट करने के लिए जाता है। और जब ब्रेटन पैसा लेकर लौट रहा होता है तभी जो बौने होते हैं वो ब्रेटन को लूट लेते हैं और वो उसका आर्मर भी ले आते हैं। और घर में जो स्नो व्हाइट होती है वो खाना बनाकर बौनों का वेट कर रही होती है। अब स्नो व्हाइट बौनों के पास आर्मर देख लेती है और उसको पता चल जाता है कि उन्होंने चोरी की है। तब बौने उसको बताते हैं कि वो लोग असल में चोर हैं और उन्होंने क्वीन का पैसा चुराया है। तब स्नो व्हाइट उनको बताती है कि टाउन बहुत ज्यादा गरीब है और उनको पैसे की नीड है, लेकिन बोनो को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। और वो यहाँ पर स्नो व्हाइट को बताते हैं कि क्वीन ने सभी अगले दिखने वाले लोगों को टाउन से बाहर निकाल दिया था और ये लोग भी उन्हीं में शामिल थे, और टाउन के किसी भी इंसान ने उन लोगों की हेल्प नहीं की थी, इसीलिए उनको फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद ये लोग किसी बात पर बहस करने लग जाते हैं। तभी मौका देखकर जो स्नो व्हाइट होती है वो पैसा चुरा कर यहाँ से भाग जाती है, और बोने भी स्नो व्हाइट का पीछा करते हैं। जो स्नो व्हाइट है वो टाउन में जाकर वो पैसा सभी लोगों को वापस करने लग जाती है, और यहाँ पर वो ये पैसा वापस लाने का क्रेडिट उन बोनों को देती है,
और टाउन के जितने भी लोग होते हैं अब वो बोनो की इज्जत करने लग जाते हैं। और दूसरी साइड जो क्वीन होती है वो एंड्रियो के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और यहाँ पर वो उसको प्रपोज करने की कोशिश करती है, लेकिन जो एंड्रियो होता है बस वो स्नो व्हाइट के बारे में ही सोच रहा होता है। तब क्वीन उसको बताती है कि स्नो व्हाइट मारी गई है। तभी यहाँ पर ब्रेटन आता है और वो उनको बताता है कि उसको डाकुए ने लूट लिया है और वो सारा पैसा लेकर भाग गए। अब एंड्रियो को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उन डाकुओं से बदला लेने का मन बनाता है। और जंगल में जो बौने होते हैं वो स्नो व्हाइट को अपने पास रखने के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो स्नो व्हाइट से कहते हैं कि तुम्हें भी चोर बन के हमारे साथ रहना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि हम लोगों से नहीं बल्कि क्वीन से चुरा कर लोगों को देंगे। अब स्नो व्हाइट ये बात सुनकर मान जाती है और जो बौने होते हैं वो उसको चोरी करने की कला सिखाने लग जाते हैं और यहाँ पर वो उसको तलवारबाजी करना और अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करना सिखाते हैं। यहाँ पर बोनो ने उसके लिए नई ड्रेस भी ला दी थी। अब ये लोग अपने पहले मिशन पर जाते हैं और यहाँ पर स्नो व्हाइट को एक बेचारी लड़की बन के मुसाफिरों को रोकना था। तभी यहाँ पर से पहला ग्रुप गुजरता है और वो कोई और नहीं बल्कि एंड्रियो ही था जो कि डाकुओं से लड़ने के लिए यहाँ पर आया था और यहाँ पर वो अपने साथ कुछ सैनिक भी लेकर आया था। अब जो बौने होते हैं वो सैनिकों के ऊपर हमला करते हैं और जो स्नो व्हाइट होती है वो एंड्रियो के पास जाती है। अब ये दोनों एक दूसरों को देखने के बाद काफी खुश होते हैं, लेकिन इन दोनों को गलतफहमी हो जाती है। जो स्नो व्हाइट है वो सोचती है कि एंड्रियो क्वीन के लिए वर्क करता है और जो एंड्रियो है वो सोचता है कि स्नो व्हाइट चोर है। अब बौने सभी गार्ड्स को हरा देते हैं और जो स्नो व्हाइट होती है वो एक ट्रिक यूज करके एंड्रियो के घोड़े की हेल्प से एंड्रियो को गिरा देती है और इसके बाद वो एक पंच मारकर एंड्रियो को वहीं पर बेहोश कर देती है। और इसके बाद जो एंड्रियो होता है वो वापस से बिना कपड़ों के महल में आ जाता है और वो यहाँ पर आकर क्वीन को सब कुछ बताता है और उससे कहता है कि स्नो व्हाइट जिंदा है, फिर भी उसने झूठ क्यों बोला। और वो उसको ये भी बताता है कि चोरी बोनो ने की है। अब क्वीन को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो वापस से मिरर वर्ल्ड में जाती है। यहाँ पर उसकी रिफ्लेक्शन उसको बताती है कि इतना ज्यादा मैजिक यूज करने की उसको कीमत भी चुकानी पड़ेगी, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं थी क्योंकि वो बस धोखेबाजों को सजा देना चाहती थी। और वो ब्रेटन को मैजिक की हेल्प से कॉकरोच में बदल देती है और वो एंड्रियो को अपने प्यार की जाल में फंसाने के लिए उससे एक सीरम लेती है और वो लव पोर्शन होता है और इसी की हेल्प से उसने किंग को भी फंसाया था। जो उसके रिफ्लेक्शन होती है वो उससे कहती है कि उसको एंड्रियो को भूलकर अपनी एज के किसी को फंसाना चाहिए, लेकिन क्वीन एंड्रियो के पास जाकर उसको धोखे से वो लव पोशन पिला देती है। और यहाँ पर जो एंड्रियो होता है वो एक डॉग की तरह बिहेव करने लग जाता है क्योंकि वो जो पोशन होता है वो डॉग लव के लिए होता है। और इसके बाद जो एंड्रियो होता है वो शादी के लिए हाँ कर देता है। अब ये न्यूज पूरे किंगडम में फैल जाती है और एक बोना आकर अपने साथियों को ये खबर सुनाता है और जब स्नो व्हाइट ये खबर सुनती है तो वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि वो अब एंड्री को प्यार करने लग गई थी। और जो क्वीन होती है वो वापस से मिरर वर्ल्ड में जाती है क्योंकि वो इस बार कुछ भी खराब करना नहीं चाहती थी और वो मिरर क्वीन की हेल्प मांगती है। और हमें दिखाया जाता है कि बोनो के घर पे दो पपेट आकर गिरते हैं जो कि उनके घर के ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पर बोनो के वार का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी स्नो व्हाइट नोटिस करती है कि वो धागों से जुड़े हुए हैं और स्नो व्हाइट उन धागों को ही काट देती है और मिरर क्वीन का उनसे कनेक्शन टूट जाता है और वो पपेट्स नॉर्मल पपेट्स में बदल जाते हैं। अब अगली सुबह जो स्नो व्हाइट होती है वो बोनो के घर को छोड़कर चली जाती है और उसने एक लेटर छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम लोगों से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को अपनी वजह से खतरे में नहीं डाल सकती। अब बोनो उसको ढूंढने के लिए घर से निकल जाते हैं और स्नो व्हाइट ज्यादा आगे नहीं गई थी इसलिए वो उसको ढूंढ भी लेते हैं। अब बोनो उससे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब हमारी बारी है तुम्हारे लिए कुछ करने की। और वो क्वीन की शादी को बर्बाद करने का प्लान बनाते हैं और किंगडम में हमें शादी की तैयारियों को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो बकेट होता है वो वापस से नॉर्मल आदमी में बदल जाता है और जो एंड्रयू होता है वो अभी भी डॉग की तरह बिहेव कर रहा होता है। यहाँ पर जो स्नो व्हाइट होती है वो बोनो के साथ पहुंच जाती है और वो एंड्रयू को यहाँ से लेकर भाग जाते हैं और सभी लोगों के कपड़े भी ले जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्वीन आती है तो यहाँ के लोग जो होते हैं वो क्वीन को किंगडम पर रूल करने के लायक नहीं समझते हैं। अब बोने एंड्रयू की ऐसी हालत देखकर समझ जाते हैं कि उस पर जादू का असर है और वो उसको होश में लाने के लिए सभी तरह के प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। अब वो स्नो व्हाइट से लव मेथड का यूज करके
उसको किस करने के लिए बोलते हैं और जो एंड्रयू होता है वो नॉर्मल हो जाता है। अब एंड्रयू सभी लोगों से माफी मांग रहा होता है तभी बाहर से अजीब सी आवाज आती है और बाहर बीस्ट आ जाता है। अब जो स्नो वाइट होती है वो अपने दोस्तों को घर में ही बंद करके खुद उस बीस्ट से लड़ने के लिए चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके दोस्तों के ऊपर खतरा आए। अब यहाँ पर वो क्वीन को देखती है और उसको पता चल जाता है कि जो क्वीन है वो उस बीस्ट की मास्टर है और वो कहती है कि तुमने ही मेरे फादर को भी मरवाया था। अब जो बीस्ट होता है वो स्नो व्हाइट के पीछे पड़ जाता है और जो एंड्रयू होता है वो बोनो से चाबी लेकर घर के बाहर आ जाता है और बोनी भी पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं और जो क्वीन है वो वापस से मिरर हाउस पहुंच जाती है। और दूसरी साइड ये सभी लोग बीस्ट से लड़ रहे होते हैं लेकिन बीस्ट बहुत पावरफुल होता है। फाइट के टाइम पे स्नो व्हाइट का चाकू नीचे गिर जाता है। अब जो बौने होते हैं वो उस चाकू को स्नो व्हाइट के पास फेंकते हैं जिससे कि वो बीस्ट को मार दे। अब जब स्नो व्हाइट बीस्ट की तरफ बढ़ती है तो वो देखती है कि उसके गले में भी वही मून वाला नेकलेस है जैसा कि क्वीन के पास था। अब जो स्नो व्हाइट होती है वो तेजी से उस नेकलेस को काट देती है जिससे कि स्पेल टूट जाता है और हमें पता चलता है कि वो जो बीस्ट है वो असल में किंग है। और दूसरी साइड हमें क्वीन को दिखाया जाता है जिसको कि अब मैजिक करने की कीमत चुकानी पड़ती है और उसको अपनी जवानी खोकर ही कीमत चुकानी पड़ती है। अब जो किंग होता है वो बोनो को थैंक यू बोलता है और उनको इनाम दिलाने का वादा करता है। और इसके बाद जो किंग होता है वो एंड्रियो और स्नो व्हाइट की शादी करा देता है। यहाँ पर वापस से क्लेमेंडियाना आती है और वो स्नो व्हाइट को एक एप्पल देती है लेकिन स्नो व्हाइट ने उसको पहचान लिया था इसीलिए वो एप्पल उसी को खिला देती है जिसके बाद जो मैजिकल वर्ल्ड होता है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है और पूरा जो टाउन था अब वो स्पेल से आजाद हो जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मूवीज को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।